वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. आई सुषमा पारिक फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू टीच यू बुद्धिज़्म एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडिया. दिस इज सेमेस्टर वन हिस्ट्री फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. बुद्धिज़्म फिलोसफी. राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. वाई क्यों राइज हुए थे ये दोनों रिलीजन? रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन द 6th century BC, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस अनरेस्ट हो रहा था 6th century BC में. बहुत प्रीस्ट जो है अपनी ओवर शो कर रहे थे कि भी हम ही सुपीरियर हैं, प्रीस्ट जो पंडित होते हैं, और अलग अलग बहुत सारे ऐसे धर्म को वो बांध के रख रहे थे कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो उसमें लोगों को डरा रहे थे और अपना ही ऑटोक्रेसी शो कर रहे थे. तो इसलिए अनरेस्ट की वजह से ये रिलीजन बाहर निकल कर आए. द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस एडवोकेटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल. जो लेटर वैदिक पीरियड में जितने भी सेक्रीफाइसेस और ये सब रिचुअल्स बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, जो कि कॉमन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थे, कि उनको था कि यार ये इतना थोड़ी ना होता है कि इतने इतने रिचुअल्स करो. जैसे कि किसी का अगर हस्बैंड बन की डेथ हो गई तो फिर उसको सती बना दिया गया, या फिर ऐसे अजीब अजीब से रिचुअल्स की उनको करने में मतलब कि इनह्यूमैनिटी लग रही थी. ठीक है. द सेक्रीफिशियल सेरेमनीज वर ऑल्सो फाउंड टू बी टू एक्सपेंसिव. द सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड मंत्रास कन्फ्यूज द पीपल. जो सुपरस्टिशियस बिलीफ और मंत्रास थे ना, वो कन्फ्यूज करते थे लोगों को. द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स एंड अल्टरनेटिव टू द सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइस वर हाईली फिलोसफिकल इन नेचर एंड देयर फॉर नॉट ईजीली अंडरस्टूड बाय ऑल. ये जो बहुत ही हाई थी नेचर में, और वो किसी को भी समझ नहीं आती थी. जो भी प्रीस्ट और पंडित लोग कहते थे वो इलॉजिकल लगता था. Therefore, what was needed in the large interest of the people was a simple, short, and intelligible way to salvation for all people. फिर क्या था लोगों के लिए कि भी एक सिंपल सा धर्म हो जिसको बस हम भगवान को माने और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए. ये सारी चीज़ें हम ना ओबे करें. तो इसलिए वो भी सभी लोग चाहते थे कि एक प्रॉपर सा अच्छा सा धर्म मिले हमें. सच रिलीजन्स टीचिंग्स शुड ऑल्सो बी इन ए लैंग्वेज नोन टू देम. दिस नीड वॉज फुलफिल्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड महावीरा. तो फिर ये जो टीचिंग्स थी ये फुलफिल किन से हुई? बुद्धिज़्म और महावीरा जी से. Other than the religious factors, some social and economic factors also contributed to the rise of these two religions. इसके अलावा दो फैक्टर्स और थे जो कि राइज हुआ, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के भी थे इनमें, कि भी इन दोनों रिलीजन का राइज अप हुआ. द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया जनरेटेड टेंशंस इन द सोसाइटी. Higher classes enjoyed certain privileges which were denied to the lower classes. Higher classes थे वो बहुत ज़्यादा ही privileges enjoy करते थे, और lower classes को कुछ भी enjoy करने में के लिए नहीं मिलता था. Also the Kshatriyas had resented the domination of the priestliest class. It should also to be noted that both Buddhism and Mahavira belonged to Kshatriya's origin. Mahavira और Buddhism जो है ये दोनों ही क्षत्रिय से ही belong करते थे. पर पंडित जो थे उस time के और priest थे, वो क्षत्रियस को भी बहुत ज़्यादा force या pressure देने की कोशिश करते थे. The growth of trade led to the improvement in the economic condition of the Vaishyas. जो trade था वो Vaishyas की economic condition को तो अच्छी कर दी उन्होंने. As a result, they wanted to enhance their social status.
So, the main teachings of Buddhism, teachings of Buddha, he did not involve himself in fruitless controversies regarding metaphysical questions like God, soul, karma, rebirth, etc., and concerned himself with the practical problem confronting man. ये कभी भी लॉजिकल उसमें इश्यूज में नहीं करते थे कि भी गॉड है, सॉल है, कर्मा, रीबर्थ, इन सब में उनका मेन एम था कि हाँ, हमारा बर्थ हुआ हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए. इन्होंने चार नोबल ट्रुथ सोसाइटी को बताए, लोगों तक पहुंचाए कि चार ट्रुथ हैं जो कि हैं. नंबर वन, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग. जो वर्ल्ड है ये पूरा का पूरा सफरिंग से भरा हुआ है. नंबर टू, द कॉजेज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर. कॉज क्या है सफरिंग का? डिज़ायर, इच्छा. इच्छा ही सफरिंग की को जन्म देती है. इफ़ डिज़ायर गेट or get rid of, suffering can be removed. अगर desire ही नहीं रहेगी तो फिर suffering अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी. This can be done by following the eightfold path. ये जो है हम उन्होंने जो eightfold path दिए थे उसको फॉलो करके ही हम इन सब को पा सकते हैं. अब है अष्टांग मार्ग. eightfold path जो बुद्धिज़्म ने बताए अब वो मैं बताती हूँ आपको. राइट नॉलेज, राइट व्यू. हमें एक राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए, राइट व्यू होना चाहिए हर एक पर्सपेक्टिव का. राइट नॉलेज मिलनी चाहिए, राइट विल और रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन और कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और मेमोरी, एंड राइट कंसंट्रेशन. सही से कंसंट्रेशन हो, राइट माइंडफुलनेस मतलब कि सही मेमोरी हो उनकी, राइट एफर्ट, अच्छे से एफर्ट करें जो कि सही डायरेक्शन में जाए, राइट लाइवलीहुड, अपना जो लाइवलीहुड दिनचर्या वो जिए बहुत ही अच्छे से और किसी को नुकसान ना पहुंचे उस दिनचर्या में, राइट एक्शन, एक्शन अच्छे ले, राइट स्पीच, अच्छा बोले वो, राइट विल, उसकी जो विल है या उसका जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए. बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ही लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द लॉ ऑफ कर्मा. ही आर्ग्यूड दैट द कंडीशन ऑफ मैन इन दिस लाइफ डिपेंड्स अपॉन हिज ऑन डीड्स. ही टॉट दैट द सॉल डज नॉट एग्जिस्ट. हाउएवर ही एम्फेसाइज्ड अहिंसा बाय हिज लव फॉर ह्यूमन बींग एंड ऑल लिविंग क्रिएचर. ही endeared himself to all, even under the gravest provocation. He did not show the least anger or hatred, and instead conquered everyone by his love and compassion. उनको था कि हम लव और काम से ही लोगों को जीत सकते हैं, ना कि अपने आप उनके ऊपर क्रोधित होकर या उनको नुकसान पहुंचाकर हम कुछ जीत सकते हैं. हिज रिलीजन वॉज आइडेंटिटिकल विद मॉरेलिटी एंड इट एम्फेसाइज्ड प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स. हमें अपने काम में प्योर रहना चाहिए, थॉट्स में प्योर रहना चाहिए. ही वॉज ए रैशनलिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन द लाइट ऑफ रीज़न एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लाइंड फेथ. ये हमें ब्लाइंडली फेथ नहीं रखना चाहिए किसी पे भी, हमें प्रॉपरली रीज़न बेस्ड होना चाहिए कि क्या रीज़न था, क्या रीज़न है उसके पीछे. और कास्ट सिस्टम का जो था उन्होंने वो मना किया कि कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के अंदर. बुद्धिज़्म का मेन एम था कि रिलीजियस रिवॉल्यूशन हो और सभी को सुपीरियर पावर को अचीव करने के लिए मेडिटेशन या ध्यान का लगाना चाहिए. ठीक है, तो इसके साथ ही मैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट, जो टॉपिक है बुद्धिज़्म कंट्रीब्यूशन, ये समाप्त करती हूँ. आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा. नए वीडियो में, नए चैप्टर, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में प्रेजेंटेशन करेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टडी हार्ड. थैंक यू.